आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ेंगे, लाइफ्स एंड प्रोसेसेस। ये वीडियो पार्ट वन है और इस वीडियो को मैं इस चैप्टर को इस टॉपिक को मैंने पार्ट वाइज डील किया है। हर पार्ट में कुछ कुछ टॉपिक कवर होंगे, उसके बाद पार्ट सेकेंड में कुछ टॉपिक, पार्ट थर्ड में कुछ टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग आज पढ़ेंगे वो लाइफ के बारे में। तो लाइफ क्या डेफिनेशन देखिए, क्या लाइफ है? सेल्फ बेस्ड सेल्फ रेगुलेटेड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल व केमिकल रिएक्शन आर गोइंग ऑन ऑल द टाइम दैट लीड इट टू इट्स मेंटेनेंस, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिप्रोडक्शन। मतलब लाइफ क्या, लाइफ सेल पर आधारित एक जटिल संरचना है, किस चीज़ का, मॉलिक्यूल का, जहाँ पर कंटिन्यू केमिकल रिएक्शन होते रहता है हमेशा। वो केमिकल रिएक्शन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए, रिस्पॉन्सिव के लिए, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, रिप्रोडक्शन, ये कुछ चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल वाला सेल बेस्ड कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ही हम लोग लाइफ कहते हैं। ठीक है, लाइफ से ही लिविंग बींग्स बना है। तो लिविंग बींग्स क्या है? वही सेल्फ रेगुलेटेड डिस्क्रिएट सेलुलर एंटिटीज़ है जो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करता है, जैसे कि मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। तो लाइफ का जो कैरेक्टरिस्टिक जो जी भी सिस्टम जो है लाइफ वाला जो कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा वो लिविंग बींग्स कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ कुछ कीवर्ड्स जो है हम लोग डील करेंगे या ज़रूरत पड़ेगा हमारे इंटायर चैप्टर में। तो सबसे पहला चैप्टर है सबसे पहला कीवर्ड जो है वह मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन विच ऑकर इन लिविंग बींग ड्यू टू इंटरेक्शन अमॉन्ग इट्स मॉलिक्यूल। मतलब क्या है कि ये किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग बींग्स के अंदर, मॉलिक्यूल में जो टोटल केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, सारे केमिकल रिएक्शन को सम को हम समेशन को ही कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो दो टाइप्स के हैं, एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या है? तो एनाबॉलिज्म को हम लोग कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब ये ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, सिंपल वंस है, सिंपलर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्म होने वाले रिएक्शन को ही हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का बनना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, फिर अमीनो एसिड से प्रोटीन का बनना, ये सारा एनाबॉलिज्म है। अब आता है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म को हम लोग डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मॉलिक्यूल टूट कर सिंपलर सब्सटेंस बनाता है, जैसे रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है जिसमें क्या होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, एनर्जी में ब्रेक डाउन होता है, इसलिए कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहला चैप्टर का जो मेन पॉइंट्स है, जो कीवर्ड्स है वो पढ़ लिए, और उसका इसका डेफिनेशन, इस चैप्टर को एक बायोलॉजिकल टर्म्स दिया गया है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस एक्टिविटीज एंड बॉडी फंक्शन इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। फिजियो जो है उसका मतलब है नेचर, और लॉजी उसका मतलब है स्टडी। मतलब फिजियोलॉजी एक ऐसा बायोलॉजी है, साइंस का ब्रांच है जो हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के, उसके एक्टिविटीज, उसके बॉडी फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब आते हैं लाइफ प्रोसेस का बेसिक डेफिनेशन क्या है। लाइफ प्रोसेस आर दोज बेसिक एक्शंस एंड फंक्शन ऑफ लिविंग बींग्स विच आर एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब कि लाइफ प्रोसेस एक ऐसा बेसिक एक्शन है लिविंग बींग्स का जो एसेंशियल है उसके सर्वाइवल के, उसको जिंदा रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, वो सारा एक्शंस को ही बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस हैं? तो मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, ऑक्सीजन मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी। तो ये सब लाइफ प्रोसेस है जो कोई भी लिविंग बींग्स के बॉडी में होता है और जिसके थ्रू वो अपने बॉडी को मेंटेन रखता है, अपना सर्वाइवल को कर रख पाता है, अपने बॉडी को एग्जिबिट कर पाता है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्पोर्टेंस, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस जो ऑकर होता है वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सकर्शन। तो न्यूट्रिशन सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर मीटिंग वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग्स की को हर तरह का वर्क करने के लिए, किसी चीज़ भी को करने के लिए, मान लीजिए हैंड का मूवमेंट कराना है, रन करना है, स्टिच करना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, कुछ भी काम करना है, उसके लिए एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। तो एनर्जी के जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए के प्रोसेस को जो है फूड को लेना
और एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन। अब आता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है एक मल्टी स्टेप है, एंजाइम के द्वारा मेडिएटेड बायोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब बायोलॉजी का प्रोसेस है केमिकल के द्वारा, ठीक है। जिसमें क्या होता है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज करके ब्रेक होता है और सिंपल सब्सटेंस में टूटते हैं। बेसिकली उसमें क्या होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी रिलीज होते हैं। तो रेस्पिरेशन इज ए मल्टी स्टेप एंजाइम मेडिएटेड बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसाइड लिविंग सेल्स, रिलीजिंग स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी एट वेरियस स्टेप। नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ये मटेरियल का मूवमेंट है, वन पार्ट से अनदर पार्ट में मूवमेंट कराना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ऐसा रीजन से मूवमेंट करना है जहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं हो, ठीक है, वहाँ पर मूव कराना जहाँ पर है, यानी कि जिस जगह पे ज़्यादा मात्रा में है उस जगह से मटेरियल को उठा के जहाँ पर नहीं है वहाँ पर पहुँचाना, ठीक है। उसके बाद उसको स्टोर करना, एलिमिनेट करना, सारा ट्रांसपोर्टेशन में आता है। इसका डेफिनेशन, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, यूजुअली फ्रॉम रीजन ऑफ देयर अवेलेबिलिटी टू द रीजन ऑफ देयर यूज, स्टोरेज और एलिमिनेशन। नेक्स्ट जो है लास्ट जो पॉइंट है वो है एक्सकर्सन। तो एक्सकर्सन जो है वर्ड, दो वर्ड से मिल के बना, एक्स और क्रेनर। एक्स का मतलब होता है आउट, क्रेनर का मतलब होता है टू शिफ्ट, मतलब कोई भी जो एक्स्ट्रा नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको बॉडी से बाहर शिफ्ट करना, इसी कहते हैं एक्सकर्सन। इट इज़ एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन या ट्रांसपोर्टेशन, जिस भी प्रोसेस से जो एक्स्ट्रा टॉक्सिक सब्सटेंस जो बना, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको बॉडी से निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सकर्सन कहलाता है, ठीक है। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।